यह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आयुक्त मगध प्रमंडल पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई संपन्न। मौके पर गैर शहरी क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को लेकर नगर निगम के द्वारा चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने का आयुक्त मगध ने दिया सुझाव। साथ ही बैठक में दो स्थलों पर टेम्पो स्टैंड शुरू कराने पर भी चर्चा। अभी तो नहीं मालूम, हम लोग को तो नींद 3 बजे टूटा है, तो 3 बजे देखे थे सब साथ। क्या क्या ले गया? कैश था, गहना जेवर था। आप लोगों को कुछ पता नहीं चला? गहना जेवर में चैन है, कान में के है, अंगूठी है, अब जीतिया दुगो था, दुगो कान में के था, दुगो अंगूठी था, 5 जोड़ा 6 जोड़ा पायल था, बेटी के कान में के था, सब सब। नगद भी था? नगद भी था, नगद 25,000। 1:30 बजे तक हम लोग जगले थे, 1 बजे तक ले। अच्छा, उसके बाद हुआ, अब उठे तो गला खसखसा रहा है, लगा कुछ सुखा दिया है कि कर, माथा तक चाबी रखा था, माथा तो से चाबी निकाल कर आराम से सब काम किया। कितने की संख्या में तो पता नहीं चला? नहीं पता चला, बेटा के पास एगो बैठा था, जब बेटा कुछ बोल रहा था तो चुप रहने के लिए सारा का। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित श्रमिक विरोधी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के विरोध में इंटक के बैनर तले गया में निकाला गया विरोध प्रदर्शन। मौके पर इंटक से जुड़े सैकड़ों लोगों ने आईआर कोड वापस लो, श्रमिक विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद आदि के लगाए नारे। इस मौके पर कांग्रेस नेता विजय कुमार सिंह के अलावा युवा कांग्रेस के महासचिव शौकत निकास नवाब अली एवं कई कांग्रेस नेता उपस्थित। देश के सात राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे राष्ट्र में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, जो कि श्रम विरोधी एवं मजदूर विरोधी कानून है, जिसे केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, उसके विरोध में आज पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत गया जिला INTUC के बैनर के तले आज एक किसान प्रदर्शन निकाल करके केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लाना चाहती है, तो वो बिल लागू हो गया, तो उस बिल के लागू होने के बाद मजदूरों के हड़ताल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, मजदूरों को मांग करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। वो बिल मजदूर के हित में ना हो करके मालिकों के हित में होगा। आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में नेशनल ट्रेड यूनियन और इंटक के बैनर के तले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो मजदूर के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, तमाम इंटक के साथी और तमाम मजदूर लोगों ने गया शहर में प्रोटेस्ट निकाला। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इसके तहत किसी भी कंपनी के मालिक को बिना किसी के परमिशन के, अगर उनकी कंपनी में 300 एम्प्लाइज काम कर रहे हैं, तो उनमें से बिना किसी इंफॉर्मेशन के अपने कंपनी के 100 एम्प्लाइ को हटा दिया जा सकता है। इस तरह का कानून मजदूरों के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और एक IR कोड है, उसके अगेंस्ट अगर कोई मजदूर कोई प्रोटेस्ट निकालना चाहता है तो उसका प्रोटेस्ट अमान्य होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गांधी मंडप में फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का किया आयोजन। मौके पर बैठक में फुटपाथ दुकानदारों ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा अपने साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार पर जताया विरोध। नाम पर सब दुकानदार इकट्ठा हुआ है, डेली गया शहर में एक दिन दो दिन बीच के प्रतिदिन दुकानदारों के साथ अभद्र शब्द हो रहा है। जब जिला प्रशासन
नगर आयुक्त चाहे सदर SDO सब जानते हैं 2014 एक कानून बनाया गया है फुटपाथ दुकानदारों के, बाकी ये सब कानून के एक तरफ रख दिए हैं, अपना कानून शहर में लागू कर दिए हैं। फुटपाथ दुकानदार के गाड़ी गलौज, मारपीट, सामान जब्त, फाइन, जुर्माना। 2014 में संसद द्वारा कानून बनाया गया था फुटपाथ दुकानदार के लिए, तो कानून के धारा में ही लिखा था कि फुटपाथ पर जो बेचारा बेच रहा है, ठेला बेचा रहा, सब्जी लगा रहा है, उसको फाइन करो, मारो, पीटो, सामान जब्त कर लो। यही भारत के इंसाफ देने वालों को ही नहीं मिल रहा है इंसाफ, इंसाफ पाने के लिए लगा रहे पुलिस महकमे का चक्कर। घटना के 15 दिनों के बाद हुआ FIR। गोदिया थाना स्थित सुजाता बाईपास के निकट रहने वाले रिटायर्ड जज के परिवार को मिल रही है धमकी। थाने में हमारी पत्नी आई हुई थी 2 बजे से, ये अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए SP साहब के आदेश से ये आई थी, क्योंकि 18 दिन से ये घूम रही थी इन्हीं के मकान में। बोधगया के कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग आ गए थे, तो आपत्ति किया तो वो खाली कर दिया मकान। खाली के बाद भी वो बोधगया थाना से मिल करके हम लोग से रंगदारी और कुछ केस मुकदमा झूठा मुकदमा में फंसा दिया कि गया के या बोधगया के ये प्रशासनिक देने वाले सेवा, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक हो, उनसे ही कहूँगा कि इसी उनसे सरिये जांच करके देखें कि बोधगया जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पे ये पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ इतना अवैध कारोबार और धंधा में लिप्त हैं और हर लोग प्रताड़ित है, चाहे विदेशी हो या देशी हो। इसलिए नीति सरकार से मैं कहूँगा कि इस पर कम से कम गौर किया जाए। और ऐसे ऐसे 8 बरस से रह रहे थाना प्रभारी को पर ही हमारे साथ यही हुआ है कि हम होटल पर गए थे, हमारे साथ बदतमीजी हुआ और क्या, हमको धक्का दे दिया, हम गिर गए, हमारा मकान था वहाँ पर। कौन लोग हैं? इनका होटल था वो मेरा था। अच्छा। हम दिए थे रविंदर पाल सिंह को। किस लिए? लीज पर लिए थे, हमसे भाड़ा पर लिए थे, तो उसी के लिए दिए थे, लेकिन वही किराया के लिए मेरा सामान इधर उधर कर रहे थे, अवैध कार्य कर रहे थे, उसको रोक लगाने के लिए और क्या, तो वही सब चीज़ के लिए ले करके कहा सुनी हुआ। अब बस वही गाली गलौज उन लोग देने लगे, उसी में 5 लोग थे, मिल करके सब हम लोग को घेर लिया और क्या। गैरसिलन थाने में आठवीं प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लग रही है लंबी कतार। इमामगंज, मैगरा, परैया के अलावा विभिन्न प्रखंडों से आठवीं प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं लोग। सबसे अधिक महिलाओं को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने अपने क्षेत्र के थाने में भी आर्थिक प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मुहैया कराने की लोग कर रहे हैं मांग। क्या चीज़ का फॉर्म है आप जहाँ इसलिए आई है? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को फोन। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये नंबर नहीं मिल रहा। कब से आई हूँ? 10 बजे। विकसित बिहार के साथ निश्चय आर्थिक फल युवाओं को बल के अंतर्गत चलाई जा रही योजना बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड के लिए युवाओं से आवेदन लेने का सिलसिला है जारी। योजना के अधीक्षक कुमार ने बताया कि BA/BSc इंजीनियरिंग MBBS के अलावा विभिन्न कोर्सों के लिए योजना के अंतर्गत लोन देने का है प्रावधान। किसी भी प्रकार के लोन के लिए या किसी सुविधा के लिए आपको डेस्क के नीचे से कुछ पैसे देने होते, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सुविधा प्राप्त हुआ, मैं खुश हूँ। कहीं पैसा भी देना नहीं, नहीं, एक पैसे कहीं नहीं लगे हैं, बल्कि सुविधा के तहत मेरे खाते में पैसे आए हैं। आपको हम यह भी यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि इसके साथ साथ सरकार इस निश्चय के तहत और भी 2 योजनाएं इसमें चला रही हैं। एक है कुशल युवा कार्यक्रम, एक है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कुशल युवा कार्यक्रम ऐसे बच्चों के लिए, खासतौर पर हमारे बिहार के जो हम संदर्भ में देखें तो यहाँ पर बच्चे अकेडमी पढ़ाई तो कर लेते हैं, परंतु उनमें कुछ ऐसी योग्यताओं का अभाव होता है जिसके कारण अपने आप को वो मार्केट के अनुरूप नहीं डाल पाते हैं। जैसे उनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, कई जगह उनको व्यवहार कौशल नहीं होता है, इंटरव्यू देने जाएं उतने सारे लोगों को कैसे फेस करें, हम कैसे एक भरे महफिल में बोलें, हम प्लेटफॉर्म पर बोलें। जो आर्थिक युवाओं का बल के अंतर्गत यहाँ 3 तरह का स्कीम है, पहला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है SHS स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा कुशल युवा प्रोग्राम। तो
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत में वैसे बच्चे जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख रुपीज तक दिया जाता है, और वैसे बच्चे SHC के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो 10+2 पढ़ाई करके बैठे हुए हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके वैसे बच्चे को बिहार के द्वारा के मुख्यमंत्री के द्वारा या बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 224,000 रुपये दिया जाता है, हर मंथ 1,000 रुपये दिया जाता है। और वैसे बच्चे जो कम से कम मैट्रिक पास है या कोई BA कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं या 10+2 में है और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिहार गवर्नमेंट की तरह कौशल विकास प्रोग्राम के अंतर्गत 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी दिया जाता है। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामी टोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 0631222190।